Hello and welcome to our channel Fun with Video Editing. Please subscribe to our channel and press the bell icon for get notification on my सबसे पहला सवाल है, जियो के फोन की बुकिंग कब, कैसे, कहां होगी? जियो के इस फीचर फोन की बुकिंग शुरू होने वाली है 24 अगस्त से, जो कि आप माई जियो ऐप से बुक कर सकते हैं। और आप अगर जियो के कस्टमर नहीं हैं, तो आप इसे ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विजिट करना होगा जियो के स्टोर पर। और माई जियो ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के दौरान फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, जिसे आपको फिलअप करना होगा और फिर उसके बाद में सबमिट करना होगा। तो ये तो था कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग का। अब दूसरा सवाल यह आता है कि फोन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फोन मिलना कब से शुरू होगा? जैसा कि मैंने कहा, 24 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और फोन मिलना शुरू हो जाएगा सितंबर मंथ के स्टार्टिंग से ही। जियो का कहना है कि हर हफ्ते तकरीबन 5 मिलियन यूनिट मार्केट में देगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। क्या इसमें व्हाट्सएप काम करेगा? तो नहीं, इसमें व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। और रिचार्ज कितने का कराना होगा? अगर आप 153 वाली स्कीम लेते हैं, जिसमें कि आपको 500 MB डेटा दिया जाएगा पर डे का, जो कि होगा 28 दिन के लिए, जिसमें कि आप केबल टीवी का मजा नहीं ले सकते। अगर आप रिचार्ज कराते हैं 309 रुपए वाला, तो आप अपने फोन को अपने टीवी से कनेक्ट कर कोई भी चैनल देख सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा। और फोन सिंगल सिम सपोर्टेड है, यानी कि इसमें डबल सिम नहीं सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जियो का ये फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस फोन को लेने के लिए हमें 1500 रुपए देने होंगे, लेकिन वो 1500 रुपए रिफंडेबल होंगे। और अगर नहीं भी होते हैं, तो 1500 रुपए का जियो का ये वाला फीचर फोन, अच्छी बात यह है मेड इन इंडिया है, तो इससे चाइनीज कंपनी पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ने वाला है। और मैं इस फोन को पहली बुकिंग में लेने वाला हूँ। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।